नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। पाकिस्तान से एक तस्वीर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाई हुई है। वायरल हो रही तस्वीर में नजर आ रहा शख्स इमरान खान की पार्टी का नेता आमिर लियाकत हुसैन है, लेकिन इनकी चर्चा में होने की वजह है इनका निकाह। अब सोचने वाली बात यह है कि निकाह किसी के निशाने पर होने की वजह कैसे हो सकती है। ये तो ऐसा बंधन होता है जो दो लोगों के बीच होता है, जिसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप होना बिल्कुल गलत है। लेकिन जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही है वो बहुत कुछ बयां करती है। दरअसल पाकिस्तानी सत्ताधारी सरकार इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता और पाकिस्तानी टेलीविजन जगत के जाने माने होस्ट आमिर लियाकत हुसैन की ये पहली या दूसरी नहीं बल्कि तीसरी शादी है। चौंकाने वाली बात यहाँ ये नहीं है बल्कि साथ बैठी लड़की है। हुआ यूं कि जिस दिन साहब की दूसरी बीवी ने आमिर लियाकत हुसैन को तलाक दिया, उसी दिन तड़के इन्होंने तीसरी निकाह कर ली। और तो और गौर फरमाने वाली बात यह है कि इनकी उम्र, जी हाँ जनाब, खुद 49 साल के होते हुए भी इन्होंने 18 साल की लड़की से शादी की है। इस बात की आधिकारिक जानकारी आमिर लियाकत हुसैन ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट के जरिए दी है। अब जरा बात कर लेते हैं उन मोहतरमा की जिन्हें मोहब्बत की राह में किसी की तीसरी मंजिल बनना भी कबूल रहा। दरअसल जिस लड़की से आमिर लियाकत हुसैन ने शादी रचाई है उनका नाम है सईदा दानिया शाह। फिलहाल इन दोनों की शादी का डंका पूरे पाकिस्तान में बज चुका है। इन्होंने 9 फरवरी को एक दूसरे का हाथ थामा, उसी दिन उनकी दूसरी बीवी ने उन्हें तलाक दे दिया। और इन सारी बातों का जिक्र उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट से दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, बीती रात 18 साल की सईदा दानिया शाह से शादी रचा ली। ये दक्षिण पंजाब के लोधरान से एक सम्मानित सदात परिवार से ताल्लुकात रखती है। बेहद प्यारी, खूबसूरत, सिंपल और डार्लिंग। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारे लिए दुआ करें। मैंने अभी अभी जिंदगी के बुरे वक्त को पीछे छोड़ा है, वो मेरा एक गलत फैसला था। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि अभिनेत्री टूबा आमिर, जो कि उनकी दूसरी पत्नी थी, उन्होंने 9 फरवरी को अपने पति से तलाक लेकर अलग होने की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके दी है। उस पोस्ट में उन्होंने खुलासा किया कि करीब 14 महीनों से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे। इस पोस्ट में उन्होंने और भी कई बातें लिखी हैं। वहीं अपनी तीसरी पत्नी के साथ आमिर लियाकत हुसैन ने निकाह से पहले रोमांटिक वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वो बॉलीवुड के गानों पर लिपसिंग करते नजर आ रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।